ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन. माई सेल्फ तुषार गौड़, और आई एम बैक अगेन. जो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सीरीज में, वी हैव कवर्ड टू क्लासेस इन दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन. दो क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका ही अगला कंटिन्यूस पार्ट है. इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और सिंसियरली इस वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की, मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आपको कोई और चीज़ रिफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े. सारे जो भी आपके मेजर डाउट हैं वो यहीं पे ही मैं उनको क्लियर कर सकूं. ओके, तो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट. गुड इवनिंग ऑल. हेलो गायू, हेलो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, सो वंस अगेन, हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो जो पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज दिस पर्टिकुलर एरिया. सेकेंड, यस, दिस इज़ द पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिस एरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, ये वो साइज है, ये वो एरिया है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. टाइम पीरियड अगेन रेफरेंस के लिए फिर से देख लेते हैं, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम. टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम आज से 5,000 साल पहले की, नियरली 5,000 ईयर्स अगो. ठीक, गुड इवनिंग रजनी, गुड इवनिंग. ठीक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड दैट इज 5,000 ईयर्स अगो. और इस पीरियड को हमने, जो ये पीरियड है, ये बिगन होता है 3300 BC से एंड गोज ऑन टिल नियरली 1500 BC तक. ठीक, और फिर इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है हमारा अर्ली फेज, दूसरा है हमारा मैच्योर फेज, और लास्ट है हमारा द डिक्लाइन फेज. ठीक, अर्ली फेज हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं. तो अर्ली जो पीरियड है वो हमने देख लिया, उसके क्या फीचर्स थे, कि कैसे पहले उसको प्री हरप्पन बोलते थे, और फिर प्री हरप्पन से हमने जो नई टर्मिनोलॉजी जो अडॉप्ट की, डेट वॉज अर्ली हरप्पन, के मतलब हरप्पन का फॉर्मेटिव फेज, हरप्पन का पहला फेज. ठीक, तो उसके बाद हम आते हैं हमारा मैच्योर फेज में. ये सबसे मेन है, ठीक है, क्योंकि मैच्योर फेज ये डेवलप स्टेज है. तो ये जो हमारा पीरियड है, ये है हमारा अराउंड 2600 BC से 1900 तक. ठीक, 2600 BC से लेके 1900 तक ये हमारा मैच्योर फेज है. ओके, इस फेज में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी. तो नियरली जो ये पीरियड है, द पीरियड इज अराउंड नियरली 700, 700 साल कम नहीं होते. ठीक, उसके बाद सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चली गई, वो भी हम देखेंगे. तो अर्ली हम देख चुके हैं, हम मैच्योर फेज देख रहे हैं. ओके, तो अब जो आज हम रिफर करेंगे, इसमें वी विल रिफर दी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे. ठीक, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज इट्स ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो. ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो आप सब जैसे इमेज में देख रहे होंगे, ये वो पर्टिकुलर एरिया है जो कि, जिसको ग्रेट बाथ रेफर किया जाता है. तो काइंड ऑफ स्विमिंग पूल टाइप सा एरिया था. ठीक, और इसके साइड में देवर सर्टेन रूम्स. ठीक, पिलर हॉल भी होता था चारों तरफ, देवर पिलर हॉल ऑन द साइड्स. ठीक, अब इसकी सिग्निफिकेंस वेरियस तरीके से इंटरप्रेट की गई है. अब इट कैन बी अ पर्सनल रूम, पर्सनल दिस बाथिंग एरिया फॉर जो हमारे रूलिंग क्लास होगी, उनका बाथिंग एरिया हो सकता है. और या फिर ये जो उसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, रिचुअल रिलीजियस पर्पस के लिए भी इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है. तो ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसको नाम दिया गया है ग्रेट बाथ. ठीक, मिला कहाँ से हमें, मिला है हमें मोहनजोदड़ो. ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था, जो पूरा एरिया भी देखा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इस वन साइड, लोथल, धोलावीला, कालीबंगन, ये सब अलग अलग साइट्स हैं। तो ये जो ग्रेट बात है ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो शहर में। ठीक, क्या है, काइंड ऑफ स्विमिंग पूल टाइप सा एरिया है ये, बाथिंग टाइप सा एरिया है। यहाँ इसके दोनों साइड में रूम भी हुआ करते थे। अब ये देखेंगे यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, ठीक, जो कि आप इसमें एंटर करने के लिए, और इस साइड भी स्टेयर्स हैं, तो इस साइड से भी आप एंटर कर सकते हैं। दोनों तरफ से इसमें स्टेयर्स भी थी। ठीक, अब तो ये कंडीशन इसकी रिमेनिंग कंडीशन ऐसी है, बट उस टाइम पे काफ़ी ठीक रहा होगा। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सो दिस ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर, तो ब्रिक से बना हुआ था ये, ठीक है, इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। स्ट्रक्चर मेजर बाई 12 मीटर 7 इंटू 3, तो ये उसकी जो है उसका स्ट्रक्चर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है कि भाई 12 इंटू 7 इंटू 3। ठीक, इट इज अप्रोच एट इधर साइड्स बाई द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, तो दोनों तरफ से उसे अप्रोच कर सकते थे थ्रू स्टेप्स। ठीक, द बेड ऑफ बाथ वॉज मेड वाटर टाइट बाई यूज ऑफ बिटमेन, तो जो उसका बेस एरिया है, ठीक है, जो फाउंडेशन एरिया होगा, उसको क्या किया जाता था, वाटर टाइट किया जाता था, ताकि जो वाटर है वो नीचे परकोलेट ना कर सके। ठीक, इट वॉज मेड वाटर टाइट। द बाथ वॉज सराउंडेड बाई पोर्टिकोस एंड सेट्स ऑफ रूम, तो जो ये ग्रेट बाथ थी इसके दोनों तरफ क्या पोर्टिकोस होता था और रूम्स भी होते थे। पोर्टिकोस अभी देखेंगे क्या है, पोर्टिकोस पिलर होते हैं, ठीक है, और सेट्स ऑफ रूम। स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट प्लेसेस वर यूज फॉर रिचुअल बाथिंग ऑफ किंग्स, तो ये मतलब रिचुअल के लिए यूज किया जा सकता था या फिर रिलीजियस पर्पज के लिए। तो क्या पता ये रूलिंग क्लास यूज करती होगी या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू प्रीस्ट। ठीक, ये वो एरिया है जो हमने देखा। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो इसका ये जो एरिया है, जो बेस है इसका, इसको वाटर टाइट बनाने के लिए इसमें बिटमन का यूज़ किया जाता था। बिटमन मतलब इट वॉज अ वुड से बनाते थे बिटमन। बिटमन जैसे कि आज वी यूज, जो हम रोड बनाने में यूज़ करते हैं, तारकोल जैसे बोलते हैं, तो इट वॉज नोन एज नेचुरल तार। तो इसको एक पक्का फ्लोर बनाया जाता था, ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, पानी नीचे परकोलेट हो जाएगा। तो इस जो ये स्ट्रक्चर है इसके बेस को काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाया जाता था। ठीक है, ओके समीर, गुड आफ्टरनून समीर, हेलो तपस, ठीक। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर जो आज की कंडीशन में ऐसा है। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता था, मतलब ये विजुअलाइजेशन है, 3D विजुअलाइजेशन है उस टाइम की। अब पता नहीं हमें ऐसे ही होगा, बट एक विजुअलाइजेशन की गई है। ठीक है, तो ये बाथिंग एरिया हो गया हमारा, ग्रेट बाथ हो गया, ये पोर्टिकोस, इनको बोलते हैं पोर्टिकोस। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये जो पिलर टाइप के स्ट्रक्चर हैं दोनों तरफ, इनको पोर्टिकोस बोलते थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रूम्स भी हैं। ठीक, तो ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। अब इसका सिग्निफिकेंस हमने देख लिया है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज हो सकता था, और क्या पता इट वॉज यूज फॉर रिचुअल पर्पस बाय किंग, बट अगेन वी कैन ओनली गैस, क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इस चीज़ का आंसर नहीं है। वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट के किस चीज़ के लिए यूज होता होगा, बट स्ट्रक्चर ऐसा है हमने देख लिया, पोर्टिकोस से सराउंडेड होता था, दोनों तरफ रूम्स होते थे, स्टेप्स होते थे कि जिससे आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक, और है कहाँ पे ये मिला है हमें, मोहनजोदड़ो से। ओके, ग्रेनरी, ओके, सो ग्रेनरीज भी एक स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ग्रेनरीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो ग्रेनरी जो हमें मिली है वो हमें दो शहरों से मिली है, इंपॉर्टेंटली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक, एज वॉज द केस विद अदर सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम, द ग्रेनरीज वर यूज टू स्टोर वाइटल ग्रेन्स एंड फूड स्टफ, तो जैसा कि बाकी सिविलाइजेशन करती थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही ग्रेनरी का क्या यूज होता था, ग्रेनरी का यूज होता था टू स्टोर ग्रेन, ग्रेन्स को यूज कर स्टोर करने के लिए और फूड स्टफ को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो आपके जो भी ग्रेन्स हो गए लाइक व्हीट, बार्ले, ठीक है, इन सब मटेरियल को, फूड स्टफ को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज होती थी। ठीक है, तो इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि बस कि हरपंस वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ, वी कैन से, एमरजेंसी सिचुएशन। तो वो एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर रहते थे, और एमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप कब प्रिपेयर रह सकते हो, खुद से तो प्रिपेयर नहीं है। ये ग्रेनरी हमें कहाँ मिली है, ज्यादातर जो ग्रेनरी मिली है हमें, ये मिली है हमें सिटाडेल वाले एरिया में।
सिटाडेल वाला, हमने देखा था ना जो शहर है, शहर को दो पार्ट में डिवाइड होता था, दिस पार्ट वॉज नोन एज सिटाडेल, जहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, और फिर ये था हमारा लोअर टाउन। ठीक, अब जो ये हमें ग्रेनरीज मिली है ये हमें सिटाडेल से मिली है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि देयर वॉज अ पॉलिटिकल सिस्टम था जो एमरजेंसी के लिए थोड़ा फूड स्टफ्स को, ग्रेन्स को स्टोर करके रखता था एमरजेंसी राइस सिचुएशन के लिए। ठीक, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रेनरी है वो है हमारी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी तो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन जो ग्रेनरी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है स्पेसिफिकली, वो कुछ ज़्यादा ही साइज में भी और सिग्निफिकेंस में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ग्रेट ग्रेनरी। अब देख सकते हैं साइज में कि कितना मैनी ग्रेनरीज ज़्यादा हो। ठीक है, तो दिस इज ग्रेट ग्रेनरी, जो आज अभी के टाइम पे ये ऐसी है। ठीक, तो क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म फॉर्मिंग द बेस ऑफ रोज ऑफ टू रोज ऑफ सिक्स ग्रेनरीज। तो दो रो होती थी, देयर इज टू रो, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो, और टोटल देर आर सिक्स ग्रेनरीज। ठीक, टू द साउथ ऑफ ग्रेनरी वी आर फाउंड अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म दैट वर यूज फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स। ठीक, ये बस इतना ही है, थ्रेशिंग द ग्रेन्स ये नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, तो ये जो दो रो मिली है हमें ग्रेनरी की, तो दिस इज नोन एज ग्रेट ग्रेनरी। तो नियरली दो रो हैं और हर रो में छः छः ग्रेनरीज हैं। ठीक है, छः छः ग्रेनरी मतलब एक स्टोरेज एरिया हो गया, कि काइंड ऑफ एक एरिया है, एक हाउस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें वो फूड स्टफ्स को स्टोर करते थे, और उन्हीं के साउथ में क्या होता था, दे वो एक सर्कुलर एरिया होता था। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया मेड ऑफ ब्रिक्स। अब इस एरिया में क्या यूज, क्या करते थे, इस एरिया में दे वो ग्रेन्स को थ्रेश करते थे। ठीक है, द ग्रेन्स वर थ्रेश्ड, के जो लाइक अगर वीट है तो वीट को उसके जो प्लांट है उससे अलग करते थे, ताकि ग्रेन्स को ईजिली स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये था ग्रेट ग्रेनरी, और ये है उसकी अभी की, अगर जो हम प्रेजेंट कंडीशन देखें, जिस कंडीशन में मिला है ये अभी इस कंडीशन में है, और अगर हम इसको फिर से वही 3D रिकंस्ट्रक्ट करें तो कुछ ऐसा दिखती होंगी जो ये ग्रेनरी से। देखिए हम देख सकते हैं नियरली अगेन दो रो हैं, पहली रो, ठीक है, दूसरी रो, ठीक, अब इसमें 1 2 3 4 5 6, एंड अगेन ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स सिक्स ग्रेनरीज हैं दो रो की। तो दिस ग्रेनरी को बोला गया है दी ग्रेट ग्रैंडरी, और हमें कहाँ से मिली है ये, मोहनजोदारो से। ठीक है, मोहनजोदारो शहर से मिली है हमें। ओके, और इनका काम क्या था, इनका काम था फूड स्टफ को स्टोर करना या फिर ग्रेन्स को स्टोर करना। ओके, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा असेंबली हॉल। असेंबली हॉल हमें मिला है अगेन मोहनजोदारो से। ठीक, असेंबली हॉल की जो रिमेन्स है, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, तो अभी बहुत ही वी कैन से खराब कंडीशन में है, बट अब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अब असेंबली हॉल के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये किस लिए यूज़ किया जा सकता था, तो इसमें पहले देख लेते, लिखा गया है अगेन अनदर सिग्निफिकेंट बिल्डिंग वॉज एन असेंबली हॉल। असेंबली हॉल इज अ स्क्वायर्ड पिलर हॉल हैविंग 20 पिलर्स अरेंज इन 4 रोज इन अ रो ऑफ रूम्स। टू द वेस्ट ऑफ इट इट वॉज फाउंड अ सीटेड मेल स्टैचू। तो क्या था, असेंबली हॉल एक हॉल था पहले तो, ठीक है, इट वॉज एन असेंबली हॉल इन अ स्क्वायर्ड पिलर हॉल हैविंग 20 पिलर। तो एक हॉल है, ठीक, उस हॉल में दे आर 20 पिलर्स, ठीक, 20 पिलर दिया, और स्क्वायर जो स्ट्रक्चर है वो उसका स्क्वायर फॉर्म में है। तो दिस वॉज एन असेंबली हॉल इन अ रो ऑफ रूम्स। टू द वेस्ट ऑफ इट वॉज फाउंड अ सीटेड मेल स्टैचू। तो इसके वेस्ट में देर वॉज अ रो ऑफ रूम्स, रूम्स हुआ करते थे इस वेस्ट में, और वहीं पर देर वॉज अ स्टैचू ऑफ अ मेल फिगर। अब ये स्टैचू इट कैन बी अ टेम्पल, तो ये टेम्पल भी हो सकता है, बट अगेन ये हो सकता है, तो टेम्पल को हम जनरली डिस्कार्ड कर देते हैं कि टेम्पल्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिले, तो हमें एक सीटेड मेल स्टैचू मिली है। अब ये उस टाइम के किंग की भी हो सकती थी, ठीक है, जो पॉलिटिकल फिगर है उसकी भी हो सकती थी, प्रीस्ट की भी हो सकती थी, और कोई और वजह भी हो सकती थी, और ये समटाइम्स इस असेंबली हॉल को कॉलेज से भी रिलेट किया जा सकता है, कि कॉलेज काइंड ऑफ का मतलब एक उसका एक रेमिनेंस है। ठीक, तो अगर हमने देख लिया असेंबली हॉल,
मिला कहाँ से है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मिला कहाँ से है भाई, मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, वी हैव फाउंड दिस असेंबली हॉल फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ठीक। अगेन इट्स अ स्क्वायर पिलो हैविंग 20 पिलर अरेंज इन 4 रोज, तो 20 देर जो पिलर हैं 20 पिलर हैं और 4 रो में अरेंज हैं, तो मतलब एक रो में 5 पिलर हैं, ठीक, नियरली। इन अ रो ऑफ रूम्स टू द वेस्ट ऑफ इट वॉज अ सिटिंग मेल स्टैचू, और उसके वेस्ट में देयर वॉज अ रूम्स हुआ करते थे, और वहीं पे एक मेल स्टैचू भी है, सीटेड मेल स्टैचू। अब इसका यूज़ किया था वो हमें क्लियर नहीं है, वी हैव नो आइडिया जो इसका यूज़ था। ओके, सो वी हैव सीन ग्रेट बाथ, वी हैव सीन ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी, एंड वी हैव सीन असेंबली हॉल ऑफ मोहनजोदड़ो। ओके, अब फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स, तो फायर अल्टार्स मिले हमें, ये बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है वहाँ की। तो ये देखो, वंस अगेन, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग टेम्पल्स के, वर दे आर टेम्पल्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन, तो विल से नो, दे वर नो टेम्पल्स, क्योंकि हम टेम्पल से किसी भी स्ट्रक्चर को रिलेट नहीं कर पाए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हरप्पन लोग थे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग थे, वो किसी तरह की रिलीजन फॉलो नहीं करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि जब मैन आ देगा तो वो किसी ना किसी चीज़ में तो बिलीव करेंगे, वो किस तरह की रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे उस पर डिफरेंसेस हो सकता है, उनके रिचुअल्स कैसे थे, फेस्टिवल्स कैसे होते थे, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, टेम्पल्स नहीं मिले हैं, लेकिन अगेन देर आर मैनी एविडेंसेस कि कोई ना कोई रिलीजन उनके पास थी, रिलीजन किसी ना किसी तरह की वो रिलीजन को फॉलो करते थे। तो उससे ही रिलेटेड हमें काली मुंगन में क्या मिला है, फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स क्या हो गया एक तरीके से, इट कैन बी अ सेक्रीफिशियल बॉक्स, मतलब जहाँ पे सेक्रीफाइसेस दी जाती थी, तो वो होता है फायर अल्टार। वहाँ पे जो करंटली अल्टार बोलते हैं, जैसे हवन कुंड को बोल देते हैं फायर अल्टार, तो उस चीज़ को अल्टार बोलते हैं, ठीक। तो काली मुंगन मिला कहाँ से है, काली मुंगन से मिला है, ठीक है। और काली मुंगन हमारे कहाँ है, काली मुंगन इज इन राजस्थान, ठीक। फायर अल्टार्स मिले हैं हमें काली मुंगन से, तो काली मुंगन वॉज अ स्मॉलर सिटी कंपेयर टू मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, तो काली मुंगन जो है वो एक छोटी सिटी है अगर हम उसे कंपेयर करें मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। एज कंपेयर टू मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, काली मुंगन इज एन स्मॉलर सिटी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हैव बीन दोज ऑफ फायर अल्टार, तो यहाँ से जो सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हुई है वो हुई है फायर अल्टार की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी है वो इस पर्टिकुलर जगह से, वो है फायर अल्टार की। अ सीरीज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वो डिस्कवर्ड, एक सीरीज से हमें ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले, कोई प्लेटफॉर्म लाइक एक स्क्वायर शेप का और ब्रिक से बना हुआ, उस चीज़ को हम बोलेंगे ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हमें। ऑन वन ऑफ देम वॉज फाउंड अ रो ऑफ 7 फायर अल्टार, तो एक जगह हमें एक साथ लगातार 7 फायर अल्टार्स मिले हैं, मतलब 7 ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं, अ रो ऑफ 7 फायर अल्टार्स, एज वेल एज अ पिट, एक हमें पिट भी मिली है, ये पिट हो गई लाइक दिस कंटेनिंग एनिमल बोन्स एंड एंटलर, तो यहाँ पे एक पिट में हमें एनिमल बोन्स भी मिली हैं। तो हो सकता था कि जो ये फायर अल्टार्स हैं या जो पिट हैं, दे वो यूज फॉर सेक्रीफाइसेस के लिए इनका यूज हो सकता था, और सेक्रीफाइसेस हैं तो सम फॉर्म ऑफ रिलीजन वास देव। ओके, ठीक है, हमने फिगर देख लिया, हमने देखा सबसे पहले अगेन वी हैव सीन ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, वी हैव सीन द फायर अल्टार्स, एंड वी हैव सीन द असेंबली हॉल ऑफ मोहनजोदड़ो। ओके, सो नाउ कोरिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड साइज ऑफ सेटलमेंट, ठीक। अब भाई इस जो सेटलमेंट का साइज है, मतलब शहर का जो साइज है, और उसमें प्लानिंग किस तरह से हुई है, उसमें क्या रिलेशन है और किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो कोरिलेशन बिटवीन प्लानिंग, तो प्लान करने में और उस शहर का साइज में क्या रिलेशन है, ठीक। तो अगेन देर इज नो स्ट्रिक्ट कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ प्लानिंग एंड साइज ऑफ अ सेटलमेंट, तो
प्लानिंग में और वो शहर कितना बड़ा है उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर प्लानिंग उसमें अच्छी है तो शहर बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, द रिलेटिवली स्मॉल साइट ऑफ लोथल शोज अ मच हाई लेवल ऑफ प्लानिंग देन कालीबंगन विच इज ट्वाइस इट्स साइज। तो अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, जो लोथल है, जो साइज में बहुत छोटा है, तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है अगर हम कंपेयर करें कालीबंगन से, जो उसके दुगने साइज का है। बट अगेन, जो अच्छी प्लानिंग देखी गई है वो लोथल में देखी गई है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देर वॉज नो रिलेशन बिटवीन प्लानिंग और सेटलमेंट के साइज में, और प्लानिंग में कोई भी रिलेशन नहीं था। अगेन, नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड कालीबंगन हैव अ सिमिलर लेआउट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेज्ड सिटाडेल कॉम्प्लेक्स एंड सिटी। तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और कालीबंगन में एक सिमिलैरिटी है कि उनकी जो सिटी है वो डिवाइडेड है सिमिलर पैटर्न में। ठीक, तो सिमिलर पैटर्न में क्या है कि ये हो गया आपका लोअर टाउन, ठीक, और ये थोड़ा ऊंचे टीले पे बना हुआ एरिया है, ठीक, ये है हमारा सीटाडेल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीटाडेल और लोअर टाउन को अच्छे से, ठीक। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें मिलता है मेजरली मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और कालीबंगन में, ठीक। लोथल एंड सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा में द सिटाडेल कॉम्प्लेक्स इज नॉट सेपरेट, इट इज लोकेटेड विद इन द मेन सेटलमेंट। तो लोथल और सुरकोटदा में ये सेपरेशन नहीं है, जैसा हम सेपरेशन देख रहे हैं वहाँ ये सेपरेशन नहीं है, वहाँ ये कॉम्प्लेक्स पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स में बना है। जो शहर है उस शहर में कोई डिवाइड नहीं है कि भाई एक तरफ सिटाडेल है और दूसरी तरफ लोअर टाउन है, ऐसी कोई डिवीजन हमें लोथल में देखने को नहीं मिलती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन इस मोस्ट फुली डेवलप्ड फेज, कि जब बिल्कुल सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का फेज था, जब प्राइम पे था जो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन है, तो उस टाइम पे धोलावीरा कंसिस्टेड ऑफ नॉट टू बट थ्री पार्ट्स, द सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। जब ये सबसे डेवलप स्टेज में था, तो धोलावीरा में जो सेपरेशन था वो दो सेपरेशन नहीं थे, जो जनरल सेपरेशन हमने देखा सिटाडेल और लोअर टाउन, बल्कि उसमें तीन सेपरेशन थे। तो एक तरफ सिटाडेल हो गया, फिर हमारा मिडिल टाउन हो गया, और फिर हमारा लोअर टाउन हो गया। अब क्योंकि जब वी कैन से जब सोसाइटी में इकोनॉमी राइज होती है और फर्दर राइज होती है, तो डिस्टिंक्शन बनती रहती है। तो भाई ये सबसे अमीर है, ठीक, ये सबसे अमीर लोग हैं, ये आपकी रूलिंग क्लास हो सकती है, ये क्या है, ये भाई दे आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, ये नॉर्मल लोग हैं, और ये क्या है, दे आर फ्रॉम द लोअर क्लास, जो दे आर एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। ओके, तो हमने रिलेशन देख लिया कि प्लानिंग और साइज में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई साइज में है जिसमें सिटाडेल है और लोअर टाउन है, लोथल और सुरकोटदा में ऐसा कोई सेपरेशन नहीं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपके एमसीक्यू में इजीली पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट देखे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, ऐसे करके इजीली ये स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इजिली आप ये कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, अगर ये सिंपल स्टेटमेंट आ गया, लेट्स से द थर्ड पॉइंट इसमें है, अगर वो कैसे पूछ सकता है, एग्जाम एग्जाम्पल पूछ सकता, एग्जामिनर पूछ सकता है, एट लोथर एंड सुरकोटदा देयर वॉज अ क्लियर सेपरेशन, ठीक है, तो नॉट हटा देगा वो, देयर वॉज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, ठीक। स्टेटमेंट गलत होगी सही होगी, ऑब्वियसली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी क्योंकि ऐसा कोई सेपरेशन नहीं था। तो ये सारे जो हम स्टेटमेंट देख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट, सो देर इज करंटली ऑफर्स गोइंग ऑन फ्रॉम अन अकेडमी। अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं अन अकेडमी के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रिपीटर्स बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 31 से। और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा 50% ऑफ, और ये ऑफर आज ही के लिए है। और इफ़ यू एक्सेसिंग एनी ऑफ दिस, तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, डेट इज़ तुषार1, आप मेरा कोड यूज़ करके ये क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं लक्ष्य बैच को ज्वाइन फॉर IAS 2025, ये भी स्टार्ट हो रहा है हमारा 31 अक्टूबर से। ओके, सो रिपीटर बैच अगेन स्टार्टिंग ऑन 31st।
लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, फ्रेश टेस्ट सीरीज, अपडेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, और आपको देर विल बी नो पीटी 365 बट देर विल बी पीटी 730। लास्ट 2 साल के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। सो अगेन सब्सक्राइब नाउ लक्ष्य बैच, प्रिपेयरिंग फॉर फ्रेश प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्वाइन लक्ष्य बैच। अगर आप फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए लक्ष्य बैच, जिसमें आपको कंप्लीट प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ओके, दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 31। फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अक्टूबर। ठीक, एंड अगेन देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो देर इज़ अ स्कॉलरशिप जो अनअकैडमी की तरफ से है, आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अकेडमी लाया है आपके लिए एक ऐसा मौका जिससे आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, जो स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये कंडक्ट होगा 5 नवंबर को। ठीक है, उसके लिए आपको जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की दैट इज़ 4th of November। तो अगर आप इसमें first 3 रैंकर्स आते हैं तो आपको जो आपकी जो 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको फीस के लिए, और साथ ही साथ आपको प्राइजेस मिलेंगे वर्थ ऑफ 3.4 लाख। ठीक है, तो दिस इज एस फ्रॉम अनअकैडमी द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो टॉप 3 रैंकर्स को एक तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, उनकी ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाएगी, एंड सेकंड दे विल गेट रिवार्ड्स ऑफ 3.5 लाख। ठीक है, तो टेस्ट जो कंडक्ट होगा ये होगा आपका 5th नवंबर को, फिजिकल ऑफलाइन फॉर्मेट में ये कंडक्ट होगा एट 3 लोकेशन इन दिल्ली NCR एंड प्रयागराज। ठीक, और जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की दैट इज़ 4th of November तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया सारे सेटलमेंट्स देखे हमने, तो नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे डेट इज स्टोन पिलर्स। तो स्टोन पिलर्स मिले हमें, 2 स्टोन पिलर्स मिले हमें। ठीक, वी हैव डिस्कवर्ड स्टोन पिलर्स फ्रॉम धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा इज अ साइट, हड़प्पन साइट दैट इज इन गुजरात, ये गुजरात में है। ठीक है, तो इट इज इन गुजरात। ठीक, गुजरात में है ये साइट। तो वी हैव डिस्कवर्ड 2 पिलर एसोसिएटेड विद सम टाइप ऑफ एंट्रेंस। तो हमें 2 पिलर मिले हैं, ये वो 2 पिलर, अब ये कोई एंट्रेंस से एसोसिएटेड थे, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की एंट्री के लिए एसोसिएट थे ऐसा लगता है। ठीक, इट रिजेंबल्स अ पिलो शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज नीटली पॉलिश। तो मतलब काफ़ी अच्छे पॉलिश पिलर्स हैं ये। 2 पिलर्स कुड बी अ फॉर्म ऑफ एंट्री इनटू अ टाउन टेंपल और अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये 2 पिलर हैं, ये किसी भी मे बी दे वर यूज फॉर एंट्री इनटू टाउन, मे बी इनटू अ टेंपल और कोई सिग्निफिकेंट प्लेस में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2 पिलर्स जो मिले हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिले हैं धोलावीरा से। ठीक, और दीज आर पॉलिश्ड पिलर, नीटली पॉलिश पिलर है, काफ़ी सोफेस्टिकेशन दे आर शोइंग दिस सोफेस्टिकेशन। ठीक, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ से मिले हैं पॉलिश पिलर, कहाँ से मिले हैं भाई, धोलावीरा से मिले। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन गुजरात एंड दे आर नीटली पॉलिश्ड पिलर्स। अब बिल्डिंग से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बिल्डिंग इन लार्ज सिटीज एंड दोज इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस वॉज इन टाइप इन द टाइप एंड कम्बिनेशन ऑफ रॉ मेटेरियल यूज। तो जो मेजर डिफरेंस था हमारा बड़े शहरों में, देखो हमने एक चीज़ तो नोटिस कर ली थी पहले कि टाउन प्लानिंग में और साइज में, प्लानिंग और साइज में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा भी है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन जो उस शहर का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और ऐसा भी हुआ है कि प्लानिंग अच्छे से नहीं है लेकिन साइज़ बड़ा है। तो साइज़ में और प्लानिंग में कोई अंतर नहीं है। तो मेजर जो डिफरेंस आता है वो मटेरियल में आता था, बड़े शहर और छोटे शहर में, या फिर शहर में और गांव में जो डिफरेंस था वो आता था कि भाई रॉ मटेरियल
कैसा यूज़ किया जा रहा है किस चीज़ में, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है। तो शहर में और गांव में वो स्ट्रक्चर अलग अलग होता था। इन विलेजेस, विलेज में क्या होता था, हाउसेज वर मेड मोस्टली ऑफ मड ब्रिक। तो गांव में जो हाउसेज बने होते थे वो मड ब्रिक के बने हुए होते थे, ठीक है, मिट्टी से बने हुए होते थे या मिट्टी की ईट से बने हुए होते थे, ठीक, विद दी एडिशनल यूज ऑफ मड एंड रीट। तो एडिशनल यूज ऑफ मड और भूसे का इस्तेमाल होता था, ठीक। स्टोन वॉज ओकेशनली यूज फॉर फाउंडेशन, तो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था कभी कभी उसकी फाउंडेशन या फिर नींव रखने के लिए और ड्रेन्स के लिए, ठीक। तो गांव में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो जनरली मड ब्रिक है, और कभी कभी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है फाउंडेशन के लिए या फिर ड्रेन्स के लिए, ठीक। बिल्डिंग्स इन टाउन एंड सिटीज वर मेड ऑफ सन ड्राइड एंड बर्ड ब्रिक। तो जो शहर में जो स्ट्रक्चर बनता था वो स्ट्रक्चर बनता था सन ड्राइड ब्रिक से या फिर मोर इम्पोर्टेंटली बर्न ब्रिक से। बर्न ब्रिक मतलब आपने वही ब्रिक को बनाया फिर बाद में दे वो बर्न, ताकि उसको मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको, जैसे आज भी जो आज भी हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, डेट आर ऑल्सो बोन ब्रिक्स, ठीक है, जो ईंट के भट्टे होते हैं वो भी सेम टेक्निक फॉलो करते हैं, ठीक। इन दी रॉकी एरियाज ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र, तो कच्छ और सौराष्ट्र में स्टोन्स का यूज़ होता था एक्सटेंसिवली, तो वहाँ पे हम स्टोन्स का टूर कर यूज़ करते थे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बड़े शहर में और छोटे शहर में जो मेजर डिफरेंस है वो उनके रॉ मटेरियल का डिफरेंस है, ठीक। गांव में या छोटे शहरों में क्या यूज़ करे जा रहे हैं कि ज़्यादातर मड ब्रिक का यूज़ है, ठीक, और बड़े शहरों में क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सन ड्राइड ब्रिक और मोर इम्पोर्टेंटली वी आर यूजिंग द बोन ब्रिक, और रॉकी एरियाज में कच्छ और सौराष्ट्र में देर वॉज द एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हाउसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। हाउसेस कैसे होते थे, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके के हाउसेस होते थे, ठीक है, एक बार देख लो आप सब अच्छे से देख लो कि हाउसेस किस तरह के होते थे, इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। डबल स्टोरी है, प्रॉपर डिमार्केशन हो रखा है, सब चीज़ सेपरेटेड है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो पीपल लिव इन हाउसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो डिफरेंट साइजेस के हाउस में रहते थे, ठीक है, सम वर स्मॉल सम वर बिग, मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ रूम्स अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। तो जनरली उसमें क्या होता था, जैसा अभी हमने देखा कि ये बीच में बरामदा है और इस बरामदे के चारों तरफ रूम्स हैं, ठीक। तो सेंटर में देर वॉज अ कोर्टयार्ड और उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। तो ये एक जनरल पैटर्न था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हाउसेस का। डोरवेज एंड विंडोज जनरली फेस्ड द साइड लेन्स एंड रेयरली ओपन ओवर द मेन स्ट्रीट। तो डोरवेज होती थी और जो खिड़कियाँ होती थी वो जनरली जो साइड में की जो रोड्स हैं उनमें खुलती थी, मेन रोड की तरफ कम होती थी, तो उन मेन रोड की तरफ खिड़कियाँ या गेट नहीं होता था। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउसेज वर मेड ऑफ वुड, तो जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ हैं वो जनरली वुड के बने हुए होते थे। क्ले मॉडल्स ऑफ हाउसेस शो दैट डोर्स वर समटाइम्स कार्व्ड और पेंटेड विद सिंपल डिज़ाइन। तो जो हमें क्ले मॉडल्स मिले हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि डोर्स पर दे वर पेंटेड विद सिंपल डिज़ाइन, तो किसी किसी डोर पर किसी किसी तरह का डिज़ाइन भी पेंट किया जाता था, सोफिस्टिकेशन ऐसा दिखा, ठीक है। विंडोज़ हैड शटर्स, तो विंडोज़ के पे शटर्स भी हुआ करते थे उनको बंद करने के लिए, ठीक। परहैप्स मेड ऑफ वुड, वुड से बने हुए होते थे मतलब विंडोज़ के दरवाजे, टू शट द विंडोज, ठीक, विद लैटिक ग्रिल्स, ग्रिल्स भी होती थी वहाँ पे, ठीक, अबव एंड बिलो टू अलाउ इन रेन एंड एयर, ठीक है, टू राइट एंड एयर, नो रेन एंड एयर, तो रोशनी के लिए और हवा आने के लिए ये सब चीज़ों को अलाउ करने के लिए, तो देव विंडोज, और कभी कभी उनको अगर बंद भी करना है विंडोज़ को तो देव विंडोज और प्रोवाइडेड विद शटर्स, ठीक। द व्यू फ्रॉम द लेन इन टू द कोर्ट यार्ड वॉज ब्लॉक ऑफ बाई अ वॉल। तो अगर भाई सड़क से आप घर की तरफ देखेंगे तो उसमें जो आपका व्यू होगा वो दीवार से वो व्यू ब्लॉक हुआ हुआ होता था। देर आर रिमेन्स ऑफ स्टेयर केस डेट मी हैव लेड टू द रूफ और सेकेंड फ्लोर। तो हमें घरों में क्या मिलते हैं, स्टेयर केस भी मिलती हैं, सीढ़ियाँ भी मिलती हैं, उनका काम क्या होगा ऑब्वियसली, या तो फिर छत पे जाने के लिए होगा या फिर सेकेंड फ्लोर के लिए भी हो सकता है।
द फैक्ट दैट सम ऑफ द हाउसेज एट मोहनजोदड़ो वर टू स्टोरीज और मोर इज ऑल्सो सजेस्टेड बाई टेक्नेसोवा। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट बन के आएगी हमारी आएगी कि हरप्पन सिविलाइजेशन वर लिविंग इन टू स्टोरी हाउसेज, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी। तो कहीं कहीं क्या होता था, डबल स्टोरी हाउसेज भी होते थे। तो पहला एविडेंस क्या है, पहला एविडेंस है कि जो हमें स्टेयर केसेस मिले हैं कहीं से, तो सीढ़ियाँ मिली हैं, तो सीढ़ियों का काम क्या होगा, या तो छत पे ले जाना या फिर सेकेंड फ्लोर पे लेके जाना। और साथ साथ जो थिकनेस मिली है हमें वॉल्स की, तो वॉल्स की थिकनेस भी ये दिखाती है कि दे वर वेरी थिक। तो इससे हमें एक और सिग्निफिकेंट मिलता है कि हाँ कि दे वर सेकेंड स्टोरी ऑल्सो। तो जो वहाँ पे जो घर हुआ करते थे वो दो स्टोरी या उससे भी ज़्यादा के हो सकते थे। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। मतलब हम देखें कि आज भी करंटली गांव में अभी भी देर आर मैनी पीपल हु हैव दिस कच्चा हाउस, उनके आज भी मिट्टी से बने हुए घरों में लोग बाग कोई कोई रहते हैं। अब वी आर नाउ ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग होम। देस आर स्कीम जो करंटली एक स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें दे आर हेल्पिंग पीपल टू ओन देयर ओन हाउस। तो आप सब बताइएगा वो कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट, जिस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सबको हाउसेस अलॉट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो देवर हैविंग टू स्टोरी हाउसेस, ये हमें स्टेयर केस से पता चलता है, दूसरा दीवारों की थिकनेस से। फ्लोर वर यूजुअली मेड ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ। जनरली जो जो उनका फ्लोर होता था डेट वॉज मेड अप ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ, मिट्टी से बना हुआ होता था, मड से, ओफन री प्लास्टर और कवर्ड विद सैंड। सेंट से उसको प्लास्टर या कवर कर दिया जाता था थोड़ा स्मूथनेस लाने के लिए। रूफ में हैव बीन मेड ऑफ वुडन बीम्स, वुडन बीम्स से रूफ को सपोर्ट दिया जाता था, एंड दे वर कवर्ड विद रीड्स एंड पैक्ड क्ले, और मिट्टी से जनरली उसको कवर किया जाता था, सपोर्ट दी जाती थी वुडन बीम से। स्मॉल हाउसेज अटैच टू लार्ज वंस में हैव बीन क्वार्टर ऑफ सर्विस ग्रुप। तो कहीं कहीं हमने देखा है कि छोटे घर हैं जो अटैच हैं बड़े घर से, तो इसमें क्या है, दे मस्ट बी और दे प्रोबेबली दे वर यूज बाई द सर्वेंट्स ऑफ द ओनर ऑफ द हाउसेज, तो दे कैन बी द सर्वेंट्स क्वार्टर फॉर वेल्दी सिटी ड्वेलर्स। इन द लार्ज हाउसेज पैसेज लेड टू इनर रूम्स एंड देर इज एविडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट रेनोवेशन एक्टिविटी। तो कहीं कहीं क्या है, देर इज एन इनर रूम, तो देर इज एन आउटर रूम, और रूम के ही अंदर दूसरे रूम के भी हमें वी हैव फाउंड द एविडेंस। और क्या है, फ्रीक्वेंट रेनोवेशन के एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, देर इज एन एविडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट रेनोवेशन एक्टिविटी। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट रेनोवेशन कब होगा, व्हेन यू विल हैव मनी, है ना, मनी। आप घर में काम बार बार कब कराएंगे, कि ये भी बदल दो वो भी बदल दो, जब आपके पास पैसा होगा। मैनी हाउसेस और ग्रुप्स ऑफ हाउसेज हैड सेपरेट बाथिंग एरिया एंड टॉयलेट। तो कहीं कहीं मतलब मैनी हाउसेज, मोस्ट ऑफ दी हाउसेज, कहीं कहीं नहीं ज़्यादातर हाउसेज में दे वर सेपरेट बाथिंग एरिया और टॉयलेट एरिया, दे वर सेपरेट बाथिंग एंड टॉयलेट एरियाज। ये हाइजीन पे बहुत फोकस था, हाइजीन पे काफ़ी फोकस करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, जैसे बाथिंग पे हो गया या फिर टॉयलेट्स पे हो गया। तो एवरी हाउसेज वर हैविंग टॉयलेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो आज हमने हमने जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम अब कोशिश कर रहे थे कि हर किसी के पास अपना शौचालय हो, ठीक है, और आज से 5000 साल पहले, है ना, आज से 5000 साल पहले लोग बाग इस हाइजीन को समझ चुके थे कि भाई हर घर में शौचालय होना जरूरी है। और आज हमें जरूरत पड़ रही है सरकार को समझाने की कि नहीं भाई हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट था उस सिविलाइजेशन का, है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो एवरी हाउसेज, मैनी ऑफ द हाउसेज वर हैविंग बाथिंग एरिया एंड टॉयलेट्स। बाथिंग प्लेटफॉर्म्स वर कनेक्टेड विद ड्रेन्स एंड वर ओपन लोकेटेड इन रूम नेक्स्ट टू वॉल। तो जनरली जो बाथिंग एरिया होता था वो उस रूम में होता था जो कि वेल से बिल्कुल ही वेल के नेक्स्ट में है, ठीक है। इस रूम में वेल है तो नेक्स्ट रूम में बाथिंग एरिया होगा, ठीक। अ स्मॉल ड्रेन कट थ्रू द हाउस वॉल एंड वेंट इनटू द स्ट्रीट कनेक्टिंग अल्टीमेटली विद द लार्ज सीवेज ड्रेन। तो मतलब जो भी हाउस का एंटायर जो भी ड्रेनेज होगा तो पूरे घर से वो कनेक्टेड होता था, ठीक। और ये ड्रेनेज सिस्टम घर से कनेक्ट होते होते एक मेन ड्रेनेज से कनेक्टेड रहती थी। तो ड्रेनेज सिस्टम हम देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम अभी हम आज हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर्स देखे, स्ट्रक्चर के बाद हाउस का स्ट्रक्चर देखा, करंटली हमारा ये लास्ट टॉपिक है और फर्दर हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो डेली हम इसी टाइम पे आते हैं, वी कम हम डेली वी मेट एट 8 PM, और डेली अभी हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करेंगे एंड वी कवर
ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, तो पूरे घर में एक ड्रेन कनेक्ट होती थी ये जितने भी हाउसेस से टॉयलेट से, एंड इट वॉज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन आउटसाइड। टॉयलेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड मैंने टॉयलेट्स हमें काफ़ी मिले हैं। द हाउसेज इन द लोअर सिटी ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कशॉप। तो हाउसेज में जो लोअर सिटी में जो हाउसेज होते थे वहाँ पे घर के अंदर ही वर्कशॉप होती थी। तो घर में ही वर्कशॉप हुआ करती थी। वर्कशॉप मतलब जहाँ पे आप अपना काम कर सकें। तो जनरली पॉटर्स हो गए, आपको मिट्टी के बर्तन बनाने, क्लिन्स हो गए, डायर्स हो गए डाई करने के लिए, मेटल वर्किंग के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए एंड बेड मेकिंग के लिए ज़्यादा तो इन चीज़ों को यूज किया जाता था। ओके, सो दिस इज अगेन दिस इज द हाउसेस, टाइप ऑफ हाउसेस इमेजिनिंग है ये, मतलब ओबियसली एक इमेजिन स्ट्रक्चर है जो बनाने की कोशिश की गई है। अगेन वी कैन सी ये बरामदा हो गया, ठीक है, ये बरामदा हो गया, इसके चारों तरफ रूम्स हैं, ठीक है, ये वेल है, तो इसी के ही बिल्कुल नेक्स्ट में बाथिंग एरिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, सेकेंड फ्लोर है, ठीक है, ये मेन रोड है, तो ड्रेन्स भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, कवर्ड ड्रेन्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है, डेली हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डेली डिस्कसिंग दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन, थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि ईजिली आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वी हैव सीन दिस अर्ली फेज, पहले हमने सिग्निफिकेंस देखा क्या क्या है, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े ताकि आप भी उस पेज से मेरे साथ चल सकें जिस पेज से मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आगे चल के फिर हम एक नॉर्मल और पेज पाएंगे, ठीक है, तो ओके, सो डोंट वरी, विल कवर दिस एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और अगर आपको NCERTs पढ़नी है तो NCERTs, वी आर हैविंग NCERTs ऑन दी अन अकेडमी ऐप, तो वहाँ भी आप मेरी NCERT क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। करंटली जो NCERT क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं पॉलिटी की, ठीक, तो डेली NCERT क्लासेस होती हैं at 9:30 PM डेली NCERT क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पे NCERT क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और उन लाइव क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज Tushar1, ठीक है, तो आप NCERT लेक्चर वहाँ से ले सकते हैं, ठीक, NCERT करंटली जो NCERT हम कर रहे हैं पॉलिटी NCERT कर रहे हैं, अभी बिल्कुल जस्ट ही स्टार्ट किया है, अभी क्लास 6 की हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग NCERT ऑफ क्लास 6, जिसमें अभी हमने डाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल्कुल फाउंडेशन से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं या हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और जल्दी वहाँ भी हिस्ट्री की NCERT हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू गाइस अगेन, गुड नाइट, सी यू टुमारो सेम टाइमिंग 8 PM, मिलेंगे कल आपसे फिर, सो कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू एवरीवन।